गाइज, अगर आप लोग भी मात्र 15 दिन में अपने बैक फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो बस आज की मेरी बताई हुई ये सारी एक्सरसाइज फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बैक फैट कौन सा, जो आपके ब्रा जब आप पहनते हैं और उसके यहाँ से पैक से फ्लॉन्ट कर रहा होता है फैट, तो बहुत बुरा लगता है। या हम कोई भी टाइट फिटिंग ड्रेस पहनते हैं तो अलग से निकल रहा होता है तो बहुत ही चीप लगता है। तो हमें क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है, अपनी बैक से बॉडी को टोन करना है, जिसके लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। डेफिनेटली अगर आप इसको 15 डेज तक रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको अपने अंदर ह्यूज डिफरेंस फील होगा। तो देरी किस बात की, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको इतना ही पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक तो बनता ही है, शेयर करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। साथ में आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, @ishamehra मेरा अकाउंट है। फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम, वहां पे जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने डंबल्स को ले लेना है। अगर डंबल्स आपके पास नहीं है तो डोंट वरी, उसकी जगह आप 1 लीटर की 2 बॉटल्स ले सकते हैं। और इस तरीके से आपने डंबल्स को ज्वाइन करना है, देन अपनी पूरी फोर्स के साथ बैक पे हैंड को लेके जाना है। आप देख सकते हैं मेरी बैक मसल पे इसका कितना ज्यादा लोड पड़ रहा है। इससे आपकी वहां की मसल जो है स्ट्रांग भी होगी, वहां का फैट रिड्यूस होगा और आपकी बॉडी टोन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको आपने करना है 20 टाइम्स रिपीट, ठीक है, और इसके आपने करने हैं 4 सेट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पोजीशन आप ध्यान से देख लीजिए। आपको अपने नीज को स्लाइटली सा बेंड करना है, अपनी चेस्ट को आगे की तरफ ले जाते हुए अपनी बॉडी को ऊपर से हल्का सा बेंड रखते हुए आपने वाटर बॉटल या डंबल को आगे ज्वाइन करना है, देन बैक पे लेके जाना है। इससे आपकी बैक मसल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और वहां का फैट रिड्यूस होता है। 20 टाइम्स आपको उसको रिपीट करना है और इसके आपने करने हैं 4 सेट्स। तो मेक श्योर इतने सेट्स आपको रिपीट करने ही करने हैं, तभी आपके वहां का फैट रिड्यूस होगा। आपको अगेन वाटर बॉटल को हाथ में लेना है, अपने नीज को स्लाइटली बेंड रखते हुए अपनी चेस्ट को आगे लिफ्ट करने के बाद स्लाइटली बेंड करते हुए आपने वाटर बॉटल को आगे से ऊपर की तरफ लेकर जाना है, देन बैक लेके जाना है। ये आपकी चेस्ट को भी लिफ्ट करेगा, अगर आपका ब्रेस्ट साइज बहुत ज्यादा है तो इससे वो भी रिड्यूस होता है और फ्रंट में जितना भी आपका फैट है वो भी जाता है। शोल्डर आपके स्ट्रांग होते हैं, आर्म्स इससे टोन अप हो जाती हैं और बैक का फैट तो इससे बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस होगा ही होगा। तो इसको आपने करना है 20 टाइम्स और इसके आपने करने हैं 4 सेट्स। और लिटरली जब आप ये वर्कआउट करेंगे तो आपकी बैक में आपको बर्निंग सेंसेशन फील होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी नो पेन नो गेन। तो आपको ये करना ही करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको डंबल्स को इस तरीके से मैट पे प्लेस करना है और अपने नी को मैट से सपोर्ट देते हुए अपने बॉडी का पोस्चर आपको इस तरीके से रखना है, देन 1 डंबल आपने उठाना है और बैक पे आपने पूरे फोर्स के साथ स्ट्रेच करना है। आप देख सकते हैं मैं अपने हाथ में डंबल ले रही हूँ, देन आपने अपनी 1 आर्म को इस तरीके से बैक साइड पे लेके जाना है, देन डंबल को दोबारा से आपने सेम पोजिशन पे मैट पे रख देना है। सेम ऐसे ही 1 by 1 आपको करना है, पहले राइट साइड देन फिर लेफ्ट साइड, और आपको उसको करना है 20 टाइम्स और इसके आपको करने हैं 4 सेट्स। और ट्रस्ट मी, ये आपकी बैक मसल को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करता है और वहाँ का जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, जब हम स्पेशली गर्ल्स जो ब्रा फैट जिसे हम बोलते हैं वो दिखता है जब भी हम कुछ वेयर करते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा और आपकी बैक को ये बहुत सेक्सी बना देगा।
नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने प्लैंक पोजीशन में आ जाना है, अपने हिप को लिफ्ट करके रखना है, देन उसके बाद में सेम आपने एक्सरसाइज प्रॉपर स्टैंड होके करनी है। इसमें आपके टोज मैट से लगे रहेंगे, आपकी हील्स उठी रहेंगी। इस तरीके से आपने बॉडी पॉस्चर रखना है और सेम डंबल्स को पहले मैट पे रखना है और पहले लेफ्ट हैंड से आपने इसको परफॉर्म करना है, देन फिर राइट से, देन फिर लेफ्ट से, ऐसे वन बाय वन आपको करना है और पूरी फोर्स के साथ आपने डंबल को या वाटर बॉटल को बैक साइड पे इस तरीके से लेके जाना है। तो ऐसा आपको 20 टाइम्स करना है और इसके आपको करने हैं 4 सेट्स। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए बैक के लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है। उसके फैट को रिड्यूस करने के लिए आप बिल्कुल छाती के बल मैट पे लेट जाइए, देन उसके बाद आपने फ्रंट से अपनी आर्म्स को ऊपर लिफ्ट करना है और साथ के साथ अपनी लेग्स को भी ऊपर लिफ्ट करना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने अपने आप को फ्लाई करना है, देन उसके बाद बैक आ जाना है। तो सेम रिपीटेशन आपको करनी है 20 टाइम्स और इसके आपने करने हैं 4 सेट्स। तो गाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी सारी एक्सरसाइजेस। गाइज तो आई होप आपको मेरी सारी एक्सरसाइजेस बहुत पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो बस लाइक करो, शेयर करो और साथ में इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगी कि अगर अपनी बॉडी में से आप कहीं का भी वेट लूज करना चाहते हैं ना, तो प्लीज अपनी डाइट में से मीठा बिल्कुल कट ऑफ कर दें, जंक और फ्राइड फूड को भी बिल्कुल बंद कर दें, इनफैक्ट नमक को भी लेना कम कर दें, क्योंकि जो नमक होता है ना वो आपकी बॉडी में वाटर लेवल को बढ़ा देता है, आपको ब्लॉटिंग की समस्या, एसिडिटी की समस्या को ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो बस ऐसी बहुत सारा प्यार देते रहे, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, डेफिनेटली मैं उस पर ही वीडियो लेकर आऊंगी। तो हमेशा मेरे साथ बने रहें, बहुत सारा प्यार देते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।